नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया था कि विराम चिन्ह के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। विराम चिन्ह आप देखेंगे यहाँ पर, जो इससे पहले का हमने वीडियो बनाया था वर्णमाला पर बनाया था, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है विराम चिन्ह, ये भी समझने के लिए ही है। कुछ जो चिन्ह आपको दिमाग के अंदर रखने हैं वो दिमाग के अंदर चिन्ह रखेंगे, और काफ़ी चिन्ह तो आप इस्तेमाल करते हो, आपको पता भी होगा कि ये पर्टिकुलर कोई चिन्ह है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं, लेकिन जो उसे कहते हैं उसका जो नाम है उस चिन्ह का, ये थोड़ा सा दिमाग से मिसप्लेस होता है, उसी को ध्यान देना है। अगर एक दो क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, देखिए है तो विराम चिन्ह कई प्रकार के, और ज़्यादातर जितने विराम चिन्ह हैं इस्तेमाल हुए हैं हिंदी के अंदर, वो ज़्यादा के ज़्यादा जो है इंग्लिश से इस्तेमाल हुए हैं, और इन विराम चिन्हों को लाया गया है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा, इसको लाया गया है हिंदी के अंदर। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो विराम चिन्ह इस्तेमाल हुए हैं वो इंग्लिश से ही लिए गए हैं, ठीक है, तो ये दिमाग के अंदर रखेंगे। टोटल जो विराम चिन्हों की संख्या बताई है कामता प्रसाद गुरु जी ने, तो ये नाम याद रखिएगा, नाम ये कि कामता प्रसाद जी के द्वारा दिया गया है, ये बताया गया है कि कितने विराम चिन्ह हैं, तो ये 20 याद रखिएगा, 20 हैं, 20 याद रखिएगा। तो ये 20 है, 20 नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर, जो मेन है वही बताऊंगा, वो आते भी नहीं है परीक्षा में, मगर ये आ सकता है परीक्षा में कितने प्रकार के बताए हैं, तो 20 हैं, 20 विराम चिन्ह बताया गया है। अच्छा, जो विराम चिन्ह होता है उसका सेंटेंस में उपयोग किस लिए होता है, जैसे कि क्या होता है कि किसी सेंटेंस को बहुत अच्छे से बताने के लिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, कि कहीं कहीं क्या ठहरना पड़ता है, जिससे क्या करें कि सेंटेंसों का घाल मेल ना हो। घाल मेल अगर हो जाएगा तो सेंटेंस का जो अर्थ होता है वो आपको स्पष्ट पता नहीं चलेगा, उसका जो भाव होता है वो स्पष्ट नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग जीवन की बात करें तो जीवन में क्या होता है कि हम काम करते रहते हैं, और फिर कभी ना कभी हमको थोड़ा बहुत ठहरना पड़ता है नेक्स्ट काम को शुरू करने के लिए। अगर कंटिन्यू कोई काम करते रहेंगे बिना ठहराव के, बिना किसी सोच के, तो वो काम खराब हो जाता है। उसी प्रकार से जो जब सेंटेंसों का निर्माण किया जाता है, वाक्यों का निर्माण किया जाता है, शब्दों का निर्माण किया जाता है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आ रहा होता है, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चीज़ें स्पष्ट हों, उसका भाव उसका अर्थ स्पष्ट हो जो कहना जाता है। क्योंकि कहने को तो कोई बात होती है, कोई सेंटेंस लिखो, कहने का तो तरीका होता है, और जो चीज़ सामने वाले को जो चीज़ समझनी होती है उसमें स्पष्टता नज़र आए, इसलिए विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, जब विराम चिन्ह हम बता रहे होंगे तो आपको चीज़ें जो पता चल जाएंगी, जो मैं अभी बता रहा हूँ क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी कि विराम चिन्हों का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम। जैसे कि पहला जो विराम चिन्ह है वो अल्प विराम है। अल्प विराम बोला ही जा रहा है, अल्प विराम मतलब कि बहुत ही थोड़े समय के लिए, कॉमा लगा दिया, इंग्लिश में देखते हैं कॉमा लगाते हैं, बहुत ही थोड़े समय के लिए, पता भी नहीं चलता, सेंटेंस पढ़ते हैं। ऐसा कब होता है, जब संज्ञा या किसी स्वरनाम का इस्तेमाल कर रहे हो सेंटेंसों के बीच में, अक्सर संज्ञा के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कोई सेंटेंस, दो सेंटेंस हो और दोनों के बीच में कॉमे का इस्तेमाल किया जाना जरूरी हो। जैसे कि अगर सीधे सीधे शब्दों की बात करें तो राम सीता गीता, तो उसके बीच में हम लोग राम सीता गीता बोलें तो तीनों चीज़ें, तीनों ही नाम के अलग थलग हैं। अब संज्ञा में तो कई प्रकार की संज्ञा होती है, तो उनको अलग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का भेद ही बता रहे हैं आप लोग, और उस भेद को इतने प्रकार के, तो उसको जब लिख रहे हो तो उसके बीच में कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, तो कॉमा से क्या हो जाता है, इसे पता चल जाता है, स्पष्टता आ जाती है कि ये चीज़ें अलग हैं, पूरे एक लय में नहीं है, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। तो जो थोड़ी देर रुकना पड़े, जिस चीज़ को बोलते वक्त थोड़ी देर रुकना पड़े, वहाँ पर अल्प विराम होता है। अब आता है उसी तरह से अर्ध विराम। अर्ध विराम अल्प विराम की तुलना में थोड़ा देर, अधिक देर रुकना होता, अर्ध विराम है वो, अल्प विराम अर्ध विराम है। तो अल्प विराम से कुछ देर, अधिक देर रुकना जहाँ पड़े उसे अर्ध विराम कहते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि अल्प विराम जब हम पढ़ रहे थे तो कॉमा लगा दिया था हमने, ठीक, लेकिन जब अर्ध विराम पढ़ रहे होंगे तो ऐसे कॉमा लगाएंगे और उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं अर्ध विराम। इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हुए सेमी कॉलन पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते हैं, सेमी कॉलन, ठीक है। जैसे अल्प विराम में कुछ देर रुकना पड़ता है किसकी तुलना में, अल्प विराम की तुलना में अर्ध विराम में कुछ देर अधिक रुकना पड़ता है। जैसे राम चला गया,
बीच में सेमी कॉलन, अब शाम आने वाला है। तो थोड़ा सा रुकना पड़ा, ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ा तुलना में अल्पविराम में। राम चला गया, अब शाम आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से पूर्ण विराम, अब पूर्ण विराम तो थोड़ा सा लंबा समय ले लिया, और लंबा समय रुक गए, रुक गए कि कोई सेंटेंस ही समाप्त हो गया या कोई पूरा का पूरा जो वाक्य था वो समाप्त हो गया है, ठीक है। तो उसके आगे हमने पूर्ण विराम लगा, मतलब पूर्ण विराम मतलब अब इसके आगे सेंटेंस, मतलब इसके आगे इस सेंटेंस से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब वो लय जो है ख़त्म हो चुकी है, अब नया सेंटेंस शुरू करेंगे, उसका अर्थ अलग होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है जैसे वाक ख़त्म होने पर लिखने भी रहे, जैसे वह खाना खाता है, वह जाता है, मैं आ रहा हूँ, अगर ये लिख रहे तो मैं आ रहा हूँ, जब मैंने बोल दिया तो पूरा अर्थ क्लियर हो गया ना कि मैं आ रहा हूँ, तो पूर्ण विराम लगा दिया। मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ, जब मैं बता रहा हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, अंत में पूर्ण विराम लगा दिया। उपविराम, उपविराम को कॉलन बोलते हैं, याद रखेंगे उपविराम क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। इसमें दो डॉट लगती है, ये कहाँ प्रयोग करते हैं, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, अलग बिल्कुल सेपरेट दिखाना, जैसे विज्ञान दो बिंदी मतलब यानी कोलन, वरदान या अभिशाप हम लिख रहे हैं, तो विज्ञान को एक्सप्लेन कर रहे हैं, विज्ञान को और क्लियर कर रहे हैं कि विज्ञान क्या है, या तो वह वरदान है या तो अभिशाप है, तो दोनों ही संदर्भ में विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको और अलग दिखाने की कोशिश करें, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। विस्मयादि बोधक, इसे बोलते हैं इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक में एक डंडी ऊपर इसमें कहते हैं और नीचे एक डॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कह सकते हैं या आश्चर्यचकित करने वाली कोई चीज़, ठीक है ना, वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इसका इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, करुणा, आश्चर्य, भय में प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक। जैसे हाय वह मर गया, मतलब कि हमें कष्ट है कि वह मर गया, तो हम हाय बोल के आगे एक जब सेंटेंस पिरोते हैं तब उसके आगे एक इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, तुमने अच्छा खेला, तो हमने शाबाश बोला, मैंने किसी की तारीफ़ की, लेकिन शाबाश एक ऐसा शब्द है जो इंटरजेक्शन के अंतर्गत शामिल किया गया है, उसके आगे हमने क्या लगाया, एक डंडी और नीचे एक डॉट लगा दिया। उसके अलावा छी, घृणा कर रहे हैं, अरे आह, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, विस्मयादि बोधक है। अब आते हैं प्रश्न चिन्ह पे, प्रश्न चिन्ह तो सभी आग बंद करके टिक मार सकते हैं, इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया, मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम कैसे हो, उसने खाना खाया, हम उस क्या उसने खाना खाया, अब उसने खाया खाया नहीं कह सकते हैं हम लोग, सीधे कह सकते क्या उसने खाना खाया, तो क्या उसने खाना खाया में क्या लगा है, और एक प्रश्नवाचक शब्द भी है और प्रश्नवाचक सेंटेंस भी है, तो उसके आगे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया है। अब देखिए कुछ तो ऐसे हैं जिसको आप हमेशा से जान रहे हैं, यहाँ तक कि आप अधिकतर चीज़ें जान रहे हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसको कहते क्या वहाँ पर हम फंस जाते हैं, ठीक है। जैसे अब यही है इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन की पहचान होनी चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं, या क्वेश्चन आ गया कि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ऑप्शन में होता है हर्ष प्रकट करने के लिए, विवाद प्रकट करने के लिए, घृणा प्रकट करने के लिए, करुणा प्रकट करने के लिए, इन सब जगह पर होता है। उपविराम, उपविराम में किस प्रकार का जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते क्या हैं, तो उसे बोलते हैं कोलन, उसे उपविराम कहाँ होता है, किसी कथन को अलग से दिखाने के लिए होता है। पूर्ण विराम में तो जान ही जाएंगे, अर्धविराम और अल्पविराम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जब अल्पविराम कह रहे होते हैं तो सिर्फ क्या होता है, कॉमा लगाते हैं, लेकिन जब अर्धविराम करते हैं उसमें कॉमा के ऊपर एक डॉट लगाते हैं, यह अंतर होता है, तो जो कि अल्पविराम से ज़्यादा समय तक आपको रोक के रखता हो, ठीक है। अब आते हैं कोष्टक चिन्ह, अब क्या कोष्टक चिन्ह आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये देखिए कोष्टक चिन्ह, इतने तीन तीन प्रकार के आपके कोष्टक चिन्ह इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। किसी शब्द और वाक्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम लोग और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसका कोष्टक का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं या किसी के कोई बात कही है,
तो उस बात को कहे को हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, जिससे हम स्पष्ट कर सके हाँ ये बात इसने कही। जैसे किसी के बारे में बताना है कि वो क्या था, जैसे अर्जुन ब्रैकेट में लिख दिया धनुर्धारी, अर्जुन ब्रैकेट में एक योद्धा है, ठीक है, तो एक योद्धा के रूप में अर्जुन को जाना जाता है, अर्जुन को एक धनुर्धारी के रूप में जाना जाता है। कर्ण लिख रहे हैं ब्रैकेट में लिखे सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक है ना, तो कर्ण लिख रहे हैं बीच में लिख रहे हैं सूर्यपुत्र, तो किसी चीज़ को और स्पष्ट कर रहे हैं, किसी कथन को किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम लोग कोष्ठक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। योजक चिन्ह आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइफन, कोई शब्द है उसके बीच में डैश लगा होता है, डैश, ऐसे हमने डैश एक लगा दिया कोई दो शब्दों के बीच में, कि दो पदों के बीच में या दो शब्दों के बीच में। जैसे जब हम लोग बोलते हैं दिन और रात, तो दिन रात बोलने हैं तो बीच में एक हाइफन लगा दिया। लाभ और हानि बोलने हैं तो लाभ और हानि के बीच में एक हाइफन लगा दिया। खाना पीना, तो खाना पीना के बीच में एक हाइफन लगा दिया। तो इस तरह से क्या होता है, दो पदों के मध्य में कोई हाइफन जो योजक चिन्ह लगाया जाता है। फिर देखते हैं अवतरण चिन्ह या उदाहरण। अब अवतरण चिन्ह अवतरण के लिए या उदाहरण के लिए, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, मतलब कि कोई सेंटेंस किसी ने कहा या किसी कवि के द्वारा कही गई बात को हम लोग इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। किसी बात को एज इट इज वैसे ही लिख देना जैसा किसी व्यक्ति ने कहा था या किसी कवि ने कहा हो, या कोई वैज्ञानिक है उसने कोई बात कही है, या कोई महात्मा है उसके द्वारा कोई बात कही है, एज इट इज उसी बात को। आप लोग सुनते होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही है, तो जो बात कही है उसको इन्वर्टेड कोमा में हम लोग रखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उदाहरण या अवतरण चिन्ह बोलते हैं। किसी कही बात को उसी तरह से प्रकट करने के लिए, उसने कहा तुम उसे नहीं जानते हो, किसी द्वारा कहा हुआ कथन, किसी के द्वारा कहा हुआ कथन को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। हिंदी भाषा में जानना है तो हम लोग उसे बोलेंगे अवतरण चिन्ह, लिख के आपके परीक्षा में आएगा। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीविएशन साइन। एब्रीविएशन शब्द आप लोग पढ़ते होंगे, एब्रीविएशन में क्या होता है, किसी चीज़ का शॉर्ट होता है उसको हम लोग बड़ा करते हैं, तो शॉर्ट में जब लिख दिए तो एब्रीविएशन साइन का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है डॉट या गोला, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर है तो पूरा हम डॉक्टर नाम लिख लेना चाह रहे हैं, हम सीधे डा लिख के उसके आगे गोला बना दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्रीविएशन साइन। अब डा अगर लिखा है तो हम अंडरस्टूड है कि वो डॉक्टर ही कहा जा रहा है। इंजीनियर अगर कह रहे हैं तो इंजीनियर ई लिख के उसके आगे गोला बना दिया, तो इंजीनियर पूरा ना लिख के हम ई लिख दिए हैं और फिर गोला बना के उस जो पर्टिकुलर जो व्यक्ति जो इंजीनियर है जो नाम है जिसका उसका नाम लिख दिया वहाँ पर। इस तरह से विवरण, विवरण चिन्ह क्या साइन ऑफ फॉलोइंग होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है कई लाइनों में या कई शब्दों में या उसके उदाहरण के बारे में बताना है, तो वहाँ पर विवरण चिन्ह यानी साइन ऑफ फॉलोइंग का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कैसा होता है, तो ये देखिए दो, ये एक डैश उसके ऊपर नीचे दो डॉट लगा देते हैं। सर्वनाम के निम्न भेद हैं, अगर हम कह रहे हैं तो निम्न भेद, जितने भेद निम्न भेद है उसके आगे हमने एक लगा दिया साइन ऑफ फॉलोइंग। देखिए सर्वनाम के निम्न भेद है और ये साइन ऑफ फॉलोइंग का इस्तेमाल हमने कर लिया यहाँ पर। फिर देखें रेखांकन चिन्ह, रेखांकन में क्या होता है, सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं अंडरलाइन कर रहे हैं, तो कोई बात बहुत ही स्पष्ट दिखानी है तो अंडरलाइन करके दिखा देते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब किसी सेंटेंस में ये शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उस सेंटेंस दो शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लिया। तो जैसे भारत की लंबी नदी गंगा नदी है, तो गंगा को क्या कर दिया मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है हमको, हमको लगता है हमको याद रखना चाहिए इसको या ये इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर दिया, तो उसको अंडरलाइन के चिन्ह से यानी रेखांकन चिन्ह से दर्शाया जाता है। फिर देखिए पदलोप, जिसे हम लोग बोलते हैं ओमिशन। पदलोप में क्या होता है, कोई बात कहते कहते कुछ बात कहना आगे लेकिन रुक गए, अब वो अंडरस्टूड है सामने वाला समझ ले पर, ठीक है, तो उसके आगे डॉट 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 करके आगे पूर्ण विराम लगा दिया। जैसे मैं तुम्हारा काम कर दूंगा पर डॉट 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 लगा के पूर्ण विराम पर, समझ लो ये आगे क्या है, पर कुछ होगा बात जो कह रुक गए फिर उसके आगे कोई सेंटेंस पूरा कर लिए उसको, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जो होता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है कि हमने एक, जैसे कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं इस तरह से एक लगाते हैं, अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कि राम, अब इस राम शब्द का, या मान लीजिए लिख रहे हैं श्याम,
या कोई उदाहरण लिख ले रहे हैं, तो राम और श्याम का इस्तेमाल नीचे की लाइनों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जस्ट उसी के नीचे कर रहे हैं, या कोई संख्या उसी के नीचे जस्ट कर रहे हैं, तो हम उसके आगे क्या नीचे लिखा इन्वर्ट, इस तरह से दो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे लगा लेंगे, फिर नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं राम तो फिर श्याम नीचे इस्तेमाल कर, या कोई गिनती है एक है तो वन नीचे भी लिखना चाहिए तो उसके नीचे ऐसे, टू अगर लिखा तो टू दोबारा नीचे लिखना चाहिए, टू ना लिखे दोबारा, ऐसे हमने कर लिया। तो उसे क्या बोलते हैं पुनरुक्ति, से मतलब बार बार उस उक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस सेंटेंस उस शब्द को ना लिखकर उसके नीचे ही जस्ट हम दो कॉमा इस तरह से लगा के लिख लेते हैं। अब आता है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। अब विस्मरण यानी ओब्लिवियन बोलते हैं इसे। विस्मरण चिन्ह कैसा होता है, उसको किस तरह से लिखते हैं, एरो जो बनाते हैं इस तरह से एरो बनाते हैं, मतलब ग्रेटर देन या का साइन बनाए मगर इस तरह से बनाए, ऊपर की तरफ चोंच करके बनाए। तो विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह को इस तरह से बनाएंगे, इसमें विस्मरण जैसा कि नाम लिखा है, विस्मरण मतलब कि जो कि विस्मरण से बाहर चला गया जो शब्द, और उसको हमको याद आया और उसी जगह पर हमको सेंटेंस के बीचों बीच में कहीं हमको लिखना था और हम भूल गए हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण तो हम लिखें कि उसने कहा तुम उसे नहीं जानते, और हम इत्तफाक से नहीं शब्द यहाँ लिखना भूल गए हैं और सेंटेंस पूरा कर दिया कि तुम उसे नहीं जानते, तो हम यहाँ पर ओब्लिवियन का साइन लगा के यानी विस्मरण चिन्ह का लिख के हम ऊपर क्या कर देंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी क्योंकि हम भूल गए, यानी कि वो विस्मरण चिन्ह या त्रुटि कर दी हमने, वो त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहेंगे यानी ओब्लिवियन चिन्ह कहेंगे। तो ये 15 प्रकार के जो चिन्ह हैं जो मैंने बताए हैं ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद किसी चीज़ को इक्वेट करना है, इक्वल साइन भी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को किसी के बराबर दर्शाना है तो इक्वल का साइन लगा देते हैं हम लोग इस तरह वाला, ये भी एक चिन्ह होता है, लेकिन इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा हिंदी में कम देखने को हमें मिलता है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं विराम चिन्ह, उसी को हम यहाँ पर बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो इतने ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप 20 प्रकार के 20 तरह के विराम चिन्हों को पूरे हिंदी वाला में हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, इससे ज़्यादा आपके परीक्षा में नहीं पूछा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।